ये मस्जिद है, मस्जिद है और यहाँ ये नीचे देख रहे हैं मदरसे थे, इस तरीके से है पूरा। मिलता है हमें मकबरा, ये जो है बादशाह पसंद महल है। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जंगली महल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूँ अपने सफदरजंग टॉम और इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम ये सारा कवर करेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, सारे नज़ारे दिखाएंगे यहाँ के, और कोशिश करूँगा कि कोई एक कोना छूटे ना। तो वीडियो पे इसी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं शुरू से। जब यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको ना ये कुछ दिखाई देगा यहाँ पर, इस तरीके से देखिए ये सब लिखा है यहाँ के बारे में। और ये देखिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। और ये इसका पूरा फ्रंट से लुक है इसका। एंट्री करते ना आपको ये एक दरवाज़ा मिलता है इस तरीके से। और जो बराबर में आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, मस्जिद है और यहाँ ये नीचे देख रहे हैं मदरसे थे एक टाइम पे, और इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। तो पहले ना मदरसे ही देख लेते हैं। आप देखिए, अगर आप लोग कार से आते हैं तो कार से ना आपको वहाँ से एंट्री लेनी होगी, और यहाँ से चलते हुए आएंगे इस तरीके से, वहाँ पर कार पार्किंग लग जाएगी आपकी। तो देखिए यहाँ से जो रास्ता मिलेगा ना आपको, ये पार्किंग का मिलेगा एक्सेस। और मैं आपको ना मस्जिद पे, ये देखिए मदरसे हैं ये, यहाँ क्लासेस लगती थी इस तरीके से। और मस्जिद का दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ क्या। हाँ ये देखिए, ये है मस्जिद का दरवाज़ा जो कि जुमे वाले दिन खुलता है अल्लाह के फजल व करम से। ये मस्जिद का दरवाज़ा है जो कि बंद है। तो मैं थोड़ा सा गलत हो गया, जो मैंने आपको काला लकड़ी का दरवाज़ा दिखाया था वो तो मस्जिद का दरवाज़ा है पर वो खुलता नहीं है। खुलता कौन सा है, कोई ये वाला दरवाज़ा खुलता है, आप देख रहे हैं ये वाला दरवाज़ा खुलता है जुमे वाले दिन। यहाँ से एंट्री होती है मस्जिद की, ये एक गेट है पूरा, मैं इसके अंदर ले चलता हूँ। टिकट हमने ऑनलाइन बुक की है, आपको जो है QR कोड जो बैठे हैं उनके बराबर में दिखाई दे जाएगा, वहाँ से टिकट बुक करिए अपना ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू और अंदर चले जाइए। ये है एंट्री पूरी, देखिए बाहर सामने देखिए कितना अच्छा मंजर नज़र आएगा एक। ये पूरा गेट का मैं दिखा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको गेट दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए इस तरीके से आपको गेट मिलेगा, गेट के अंदर ये बदगर रखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरी एंट्री है, ये हम लोग यहाँ से एंट्री करी पूरी यहाँ से, और इस तरीके से ये देखिए, आहा देख रहे हैं आप क्या ज़बरदस्त है। ये देखिए ये है इस तरीके से, ये मस्जिद है, ये देख रहे हैं। अब ये देखिए, मैंने आगे की तरफ भी आपको कुछ मदरसे के रूम दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना खांचे तरीके से है पूरा। ये देखिए ये फाउंटेन है, यहाँ चार फाउंटेन है, चार बाग कहलाया जाता है। और पहला फाउंटेन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फ्रंट पे है, इसकी जो बनावट है बिल्कुल हुमायूं टॉम से कॉपी करी हुई है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली सुकून बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त वाला है, कितना अच्छा लग रहा है ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो देखो बिल्कुल नीचे मकबरे के नीचे जो है यहाँ पर आरामगाहें बनी हुई हैं यहाँ पर नीचे, जो कि इनके बेटे जो थे सफदरजंग के, ये उन्होंने बनवाई थी आरामगाहें। ये देखिए ये पूरी आरामगाह है, यहाँ पर इस सब जगह आपको आरामगाह मिलेगी, ऊपर जाने का जीना मिलेगा आपको। ये देख रहे हैं ये एरिया है पूरा, आप देखिए है काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी रात के समय ना यहाँ पर ना लाइटें भी जलने लग जाती हैं, तो लाइटों में बड़ा अच्छा लगता है। आपने गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर भी लाइटें दिखाई देंगी। तो अब चलते हैं इनके मकबरे के लिए, ऊपर चलते हैं देखना। जैसे कि ये हमने हुमायूं टॉम में आप जाके देखेंगे कि जैसे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, वैसी सीढ़ियाँ आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। और जो मकबरा है जो वो ऊपर की तरफ है, बाकी ये देखिए इस तरीके से। पर ये हुमायूं टॉम से थोड़ा छोटा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुमायूं टॉम के बिल्कुल बराबर एकदम है, इस तरीके से आपको मिलेगी। पहले मैं अंदर की तरफ घुमा दूँ क्योंकि बज रहे हैं 5 और अगर ज़्यादा रात होगी तो अंदर ना अंधेरा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये मिलता है हमें मकबरा, यहाँ पर सफदरजंग और उनकी बीवी का मकबरा है यहाँ पर। अब लोग बोलेंगे कि ये मकबरा इस तरीके से ऊपर एक ही दिखाई दे रहा है, मैं बता दूँ आपको, जो मकबरे बनाए जाते थे पहले, तो मकबरे जो असल कब्र होती थी वो कच्ची होती थी, वो नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था जो
हदीस से भी साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खास लोग होते हैं उनके ऊपर पत्थर रख के एक निशानी बना दी इस तरीके से। तो असल कब्र जो है वो कच्ची है, वो नीचे ही है, बस ऊपर एक निशानी के तौर पे ऐसी कब्र बना दी जाती थी कि पहचान रहे। तो ये देख रहे हैं आप, अंदर के नज़ारे दिखा रहा हूँ मैं आपके। देखिए गुंबद, ऊपर जाने का भी रास्ता है लेकिन यहाँ बंद कर रखा है। ये दो मंजिला है, ठीक है। मैं आपको देखिए आप पूरा ये देखिए चार फाउंटेन है। एक ये मेल दिखा दिया मैंने, सामने फ्रंट पे था, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है और एक बैक साइड होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, यहीं से दिखाता हूँ आप। ये देखिए मैंने राइट साइड वाला, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे राइट साइड वाला मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं लेफ्ट साइड वाला दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये के पीछे आता है फाउंटेन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। ये देखिए अभी ये वाला जो आप महल देख रहे हैं ना, ये वाला ये बादशाह पसंद महल है, और इसके पीछे एक महल और है। जो देखिए फाउंटेन है यहाँ पर भी इस तरीके से, ये देखिए। देख रहे हैं, जब नीचे जाऊंगा तो वो पास से भी दिखा दूंगा, अभी बाहर से फिलहाल आप ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए आगे से देखिए, ये बैक साइड है इसकी, ये ठीक है। और हम फ्रंट साइड से एंटर करा था हमने, और जो सफदरजंग का जो कब्र है वो रोज़ा है वो यहाँ पर है इस तरीके से। और बिल्कुल बनावट आप जो देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर ना, देखिए आप ये देख रहे हैं संगमरमर का भी, पत्थर का भी यूज़ हो रखा है। ये देखिए ये जो देख रहे हैं, और ये लाल पत्थर का भी यूज़ है इसमें। जो संगमरमर का पत्थर का यूज़ है बहुत कम है, जो भी आपको वाइट वाइट पोर्शन दिखेगा वो सब। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, नहीं तो और भी ऊपर ले चलते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये बाहर के मनाजिर हैं सारे। ये मैंने अंदर के सारे मनाजिर दिखा दिया आपको, सारा सब कुछ दिखा दिया। अंदर भी ले गया मैं आपको, जब फ्रंट से हम लोग आते हैं तो मस्जिद भी मैंने आपको दिखा दी, मस्जिद भी दिखाई देती। मस्जिद के नीचे आपको क्लासेस दिखाई मदरसे की जो उस दौर में लगती थी। अब मैं एक आपको खास बात बताता हूँ कि ये जो मकबरा है ये मुगल दौर का सबसे आखिरी मकबरा है। अब सफदरजंग जो थे वो ना राजा थे ना महाराजा थे ना ही कोई छोटे वो थे। तो ये सफदरजंग थे कौन आखिर, सवाल ये उठता। सवाल मैं बता दूँ आपको, देखिए सफदरजंग जो थे वो मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह का बादशाह थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह उनका नाम था। तो ये उनके प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन बाद में जाके ना एक कुछ ऐसा हुआ जो मैंने हिस्ट्री को थोड़ा खंगोला, कुछ इन पर राजनीतिक इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। बहुत बाद की बात है, जैसे कि बहुत बाद में हुआ था ये केस, लेकिन ये बहुत पसंदीदा भी थे इनके। तो इसीलिए उनके जो बेटे थे, सफदरजंग के बेटे थे, उन्होंने जो बादशाह थे उनसे मंजूरी लेके इनका मकबरे की यहाँ पर मकबरा बनवाया। यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना शानदार बना हुआ है। इसका जो मकबरे का पूरा ढांचा जो है पूरा कॉपी है हुमायूं टॉम से, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपको मिलता जुलता दिखाई देगा ताजमहल से। इनके बेटे का नाम था शुजा उद दौला। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ना जंगल महल, मोती महल, और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा बादशाह पसंद महल, जो कि यहाँ पर बनाए गए थे इस तरीके से। ये हुमायूं टॉम से थोड़ा छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है, लेकिन हूबहू उसी की कॉपी है। आप देखिए जैसे हुमायूं टॉम में आपको मिलेंगे चार बाग, वैसे यहाँ भी आपको चार बाग देखने के लिए मिलेंगे, और चार फाउंटेन है यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके के मनाजिर थे। चलिए अब मैं आपको ना मोती महल, जंगल महल और पास से दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ बादशाह पसंद महल, और बादशाह पसंद महल जाने से पहले देखिए आपको इस तरीके से ये दिखाई देगी, लोहे की है, जो हमने कुतुब मीनार में भी देखने को मिलेंगे इस तरीके के रास्ते, पुलिया बोल सकता हूँ इसको मैं। ये देखिए गार्डन है, बड़ा अच्छा खूबसूरत गार्डन मिलेगा आपको देखने के लिए। ये देखिए ऊपर से इसका एक बार और नज़ारा देख लीजिए। ये जो है मेरे जो है लेफ्ट साइड का पोर्शन है, और ये फाउंटेन मैंने जो आपको ऊपर से दिखाया था जो कि बादशाह पसंद महल के सामने है, और इसके लेफ्ट साइड में है इसके। तो ये इस तरीके से पानी है पर फुवारे बंद पड़े हुए हैं इस तरीके से। मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरती, देखिए नेचर की खूबसूरती कितनी बढ़िया लग रही है ना। ये देखिए यार, मुझे परिंदों की ज़्यादा पहचान नहीं है, तो ये शायद मेरे ख्याल से नहीं कोयल है ना। कमेंट करके बताना आप लोग भी कि ये क्या चीज़।
ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए ये सदरजन टॉप का पूरा नक्शा दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से। देखिए ये फाउंटेन आपको देखने को मिलेंगे चार भाग आपको, एक दो तीन चार इस तरीके से यहाँ पर, ये पूरा इस तरीके से। और ये जो है बादशाह पसंद महल है। अब इसे बादशाह पसंद महल क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये बादशाह का बहुत पसंदीदा महल था ये इस तरीके से, इसलिए इसको बादशाह पसंद महल कहा जाता है। अब ये देखिए वहाँ पर ना आपको ऐसी दीवार मिलाई दिखाई देगी, और ये बादशाह पसंद महल जो कि बंद है ऊपर। बस ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती लग रही है, ये पेड़ लगा हुआ है और नीचे इस तरीके से चबूतरा बनाया हुआ बाहर की तरफ डिजाइनदार। ये है बादशाह पसंद महल पूरा, इस तरीके से दीवार देखने को मिलेगी। अब हम लोग जब उधर से आ जाते हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, उस साइड से आते हैं और तो हम इस साइड को जाते हैं जब, तो हमें मिलेगा जंगली महल। मैं आपको ले चलता हूँ जंगली महल। तो जंगली महल जाने से पहले आप एक बार फिर नज़ारा देखिए इस तरीके से, कितना खूबसूरत है ना ये। देखिए मैं कहता हूँ ना कि दिल्ली में अगर घूमने आ रहे हो तो बारिश के मौसम में आएँ या तो सर्दियों में आएँ। बारिश के मौसम में देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती बनी हुई है। देखिए मतलब बारिश के मौसम में ऐसा नहीं कि बारिश होती हो तब आएँ, मतलब बारिश का सीज़न चलता हो तभी, जब बारिश रुक जाए तभी आप घर से बाहर निकले घूमने के लिए और इस तरीके से आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगी। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जंगली महल। तो ये भी मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये भी एक ये फाउंटेन है जो मैंने दिखाया था, ऊपर से पानी नहीं है इसमें। इस तरीके से देख रहे हैं आप नज़ारा, धूप एकदम डूबती हुई एकदम ज़बरदस्त वाली धूप है। ऐसे नज़ारे में मतलब मन करता है कि बस घूमते रहो यार। देख रहे हैं आप नज़ारे, देखिए नज़ारे एंजॉय करिए, चेक करो यार, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। इस तरीके से दरवाजे हैं इसके, ये देखिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ मोती महल जो कि बिल्कुल अपोजिट है, आप उधर देखिए वो मोती महल। चलिए चलते हैं। ये देखिए अब मैं चल रहा हूँ मोती महल जो सदरजन टॉम का एक लास्ट पार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मोती महल। फाउंटेन यहाँ भी खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ फ्रंट वाला फाउंटेन को चला हुआ है, अगर ये भी चला होता था कितनी खूबसूरती और बढ़ जाती। यहाँ का पाथ थोड़ा सा ना मतलब कच्चा पाथ है यहाँ का, वो हमने देखे थे उधर के जो वो पक्के पाथ थे। तो ये है मोती महल जो कि बाहर से बंद है, ठीक है। चेयर भी लगी हुई है, ये देखिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें महल में देखने के लिए, जो ख़ास चीज़ है देखने वाली वो सिर्फ़ और सिर्फ उधर है जो देख रहे हैं पीछे, वही मेन जगह है घूमने के लिए। अगर आप आते हैं घूमिए है, फ़ोटोग्राफी की भी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है। और 20 रुपये का मात्र टिकट लगता है बस, और 15 साल से नीचे के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, 0 है। अपनी फैमिली को बिना झिझक बिना किसी रोक टोक के लेके आइए, घुमाइए यहाँ पर। तो ये था सफदरजंग टॉम, और इन्हीं के ही नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल और सफदरजंग एयरपोर्ट वगैरह सब बना हुआ है। और ये आपको बता दिया मैंने इनके बारे में, ये कौन थे बताया सारा, यहाँ का घुमाया आपको सब कुछ दिखाया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।